हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के बारे में। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सेल राउरकेला ने एग्जाम डेट को डिक्लेयर कर दिया है और आपका एग्जाम है 23 जून 2019 को आपका एग्जाम होने वाला है। अब यहां पर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न है, थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा। उससे पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट डीआरडीओ बैच में है उनका आज लाइव टेस्ट है 9 PM पर। हालांकि ये जानकारी आप लोगों को जिस बैच में आप ज्वाइन है वहां पर नोटिफिकेशन मिल गया होगा आप लोगों को, और वहां पर सबसे नीचे लाइव टेस्ट करके आ रहा होगा। तो लाइव टेस्ट प्रॉपरली टाइम पर होगा, यानी कि 9 PM to 10 PM आपका लाइव टेस्ट होगा। यदि आपने इसमें अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन पेपर को तो वहां पर क्लियरली दिखा देगा कि आपका टाइम ओवर हो चुका है। तो आपको 9 PM पर वहां पर क्लियरली स्टार्ट हो जाएगा आपका टेस्ट और 10 PM पर क्लोज हो जाएगा, उसका प्रॉपरली रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो 9 PM पर अपने डैशबोर्ड में लॉग इन रहे, देन 10 PM पर ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, स्किप किए होंगे, वो सारा कुछ आपका वहां पर डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है एक दिन बाद आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए, तो इसके बाद वो ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं हम सेल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट आप लोगों की डिक्लेयर हो चुकी है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूं एग्जाम पैटर्न को, कि यहां पर जो सेल का एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अब यहां पर जो 100 क्वेश्चन है उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए सेक्शन में आपके 80 क्वेश्चन होंगे और बी सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। यहां पर जो 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं ए सेक्शन में, वो आपके पूछे जाएंगे ट्रेड थ्योरी से, यानी कि आपकी जो भी ट्रेड है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के 20 क्वेश्चन की यदि बात करें तो ये जर्नल एप्टीट्यूड एंड जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कुछ क्वेश्चन इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश के वो डाल सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, बिकॉज सेल इंग्लिश के क्वेश्चन देता है। तो यहां पर फोकस करना होगा इस 20 क्वेश्चन में। ऑलमोस्ट सभी मिक्स रहेगा, जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एवं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्लियर हुआ? अब मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स को जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अदर प्लांट की बात की जाए सेल के, उसके अकॉर्डिंगली यदि राउरकेला को देखा जाए तो राउरकेला में जो आपके क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देता हूं, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सेल राउरकेला के लिए। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। हालांकि मैंने इसकी प्रॉपरली टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई है, लेकिन वो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में है। यदि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसको ज्वाइन करें, वहां से टोटल उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के ओर फोकस किया गया है, उसी के अनुसार मैंने टेस्ट वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा है, तो वो बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा देंगे। अब यहां पर आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से कवर करना है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। आपके जितने भी मशीनिंग ऑपरेशन है, वो मशीनिंग ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। टूल्स के बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देन उसके अलावा यदि बात करें तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है मेटल, मेटल प्लस हीट ट्रीटमेंट। ये दो टॉपिक ऐसे हैं इनसे सेल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, मेटल के बारे में पता होना चाहिए। इनकी ओर फोकस करके जाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन मैंने कुछ आपको यहां पर क्लियर किया। बाकी के कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली हल कर पाओगे, वो है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, सेफ्टी एंड आपके डिफरेंट टॉपिक हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन पिक कर लिए जाते हैं, थ्रेडिंग से पिक कर लिए जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन में दिखाई देंगे वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से दिखाई देंगे एंड आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से, मेटल से दिखाई देंगे। तो इसकी ओर विशेष फोकस करें। अब थोड़ा सा ट्रेड वाइज भी डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है? यदि आपके टर्नर ट्रेड है तो वहां पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको लेथ मशीन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि मशीनिस्ट है तो मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन के बारे में पूछ लिया जाएगा। फिटर के बारे में यहां पर काफी कॉमन क्वेश्चन आते हैं,
जाते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूछ लेता है, लेथ मशीन के बारे में भी उनसे पूछ लेता है, कटिंग की प्रोसेस के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी ओर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। यानी कि मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर होने वाला है राउरकेला स्टील प्लांट में, जो आपका 23 जून 2019 को एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा कुछ रिव्यू है टोटल जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, अभी मैं कोर्सेज में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को बेसिक कवर किया है आईटीआई लेवल का, लेकिन मुझे फीडबैक टोटली मिल चुका है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ही क्लियर है कि अभी तक राउरकेला ने एग्जाम लिए उसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से देता है, बिकॉज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिटर्न नहीं करता है। हालांकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसके ये बात हकीकत है, लेकिन हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को दिया है वहां पर सिलेक्टेड है, मैंने उनसे टोटली फीडबैक ले लिया है, और अभी हम कोर्स में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को जितने टाइम हमारे पास है उसमें बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन को भी क्लियर करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सारा कुछ आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी होगी जो 23 जून 2019 को एग्जाम होने वाला है, और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं जो गाइड कर रहा हूं उसको यदि फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बोल सकता हूं कि बहुत ही फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो मैं टॉपिक आपको क्लियर कर रहा हूं उसकी ओर मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।